पूरी स्पीड में एक बार भगा के देखते हैं आगे तक। 3, 2, 1 गो। Hey guys, welcome back to another vlog, और आई होप कि आप लोग सही होगे। और आज ये व्लॉग होने वाला है, आई थिंक आपने थंबनेल देख ली होगी तो आपको पता होगी कि ये व्लॉग कैसा और किसके ऊपर होने वाला है। अभी जिसके ऊपर है वो येरी, ये चला रहे हैं हम। अभी हम जगह ढूंढ रहे हैं कि हम कहाँ पे बातें करें थोड़ी, वहाँ पे सामने ही चल लेते हैं। ये ना बेसिकली होने वाला है रूबीकॉन का ओनरशिप रिव्यू। ये इसलिए होने वाला है क्योंकि इंडिया में रूबीकॉन बहुत कम है, और मेरे हिसाब से रूबीकॉन की जो हाइप बनी है वो गानों से बनी है, और बीच में परमेश्वर वहाँ गाना आया कारा थारा रूबीकॉना, तो ये सब गानों की वजह से थोड़ी हाइप बनी है। एंड अभी भैया से बात करते हैं, ये मेरे दोस्त हैं और हम पहले से जानते हैं काफ़ी टाइम से, बट हम सोच रहे थे कि कब बनाए कब बनाए, तो आज टाइम मिल गया। अब बताइए कैसे हैं आप? बढ़िया। बढ़िया, थोड़ा तेज बोलना पड़ेगा माइक में, ठीक है? बढ़िया। अब आप ये बताओ, आई थिंक आपके पास पहले ऑडी थी मेरे हिसाब से, वो स्पोर्ट्स कार थी, और इस पर स्विच करने का क्या मतलब रीज़न था? यार ये थोड़ा सा ज्यादा मस्कुलिन कार है, पावरफुल है, इसको चलाने में थोड़ा सा ज्यादा मजा आता है। नहीं मतलब मेरा कहने का मतलब, ऑफरोडिंग करना मेरा ऑफरोडिंग कभी से अच्छा लगा लगता था मुझे। कोई गाड़ी वाड़ी फंसी हो उसको निकालने में मजा आता है। बंदा इसे क्यों ले, रीजन क्या है? यार देखो, देखा जाए तो अगर तुम कंपेयर करोगे इस सेगमेंट में अपने पैसे में, ये लग्जरी तो है नहीं। हाँ, वैल्यू फॉर मनी डिपेंड करता है कि आप व्हाट यू योर इंटरेस्ट्स आर। अगर आपके इंटरेस्ट हैं लग्जरी में तो आपको ये नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको मस्कुलिन कार चाहिए जिससे जो कहीं पर फंसे ना, कहीं भी जाना हो और हेड टर्नर चाहिए, मुड़ के देखते ही रहे। ये बात तो सही है। अभी जैसे कि अभी मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब अभी आपको क्या ये एवरेज निकाल के देती है अभी फिलहाल करंटली? एवरेज तो पूछो मत यार, बताओ ना तब भी क्या कह रहे हो, दुखती नस पे हाथ रख दिया। ये एवरेज 4 की देती है। 4 की मैक्सिमम सिटी में? 4 की देती है सिटी में, 4 की देती है, और मैक्सिमम 8 की देती है। 8 की, तो कोई ज्यादा मैंने मेजर किया नहीं। अभी जैसे मैं चला के ला रहा था उस हिसाब से कितने की दे रही थी वो? चार तक। बढ़िया पंजा दबा के। अभी क्या मोड करा रखे हैं इसमें? इसमें यार मैंने ये बेसिक से करवाए, ज्यादा करवाए नहीं। अभी स्पीकर लगवा रखे हैं, एग्जॉस्ट करवाया मैंने, और आगे वाला बम्पर करवाया मैंने। हाँ, ये जो मेटल का आई थिंक ये वाला ना मेटल है, ये आफ्टर मार्केट है, ये आफ्टर मार्केट है। हाँ, और अभी देखो ये ऐसी लग रही है, दिखा देता हूँ थोड़ी, अभी बहुत बड़ी लग रही है वाइड एंगल पे, तो बहुत छोटी सी लग रही है बट वैसे बड़ी लग रही है। मेरा एक सवाल है बेसिक सा कि इतनी कंफर्टेबल गाड़ी आप पे ऑडी, तो उसे छोड़ के यहाँ एकदम से सीधा इस जहाज में क्यों? कम्फर्ट तो बेकार नहीं, बट ऑडी के कंपैरिजन में तो बहुत कंपैरिजन में तो है ही, बट अब वही है ना कि अगर कुछ इंटरेस्ट अलग है तो फिर कंफर्ट छोड़ना ही पड़ेगा। हाँ वो तो है थोड़ा सा। अभी मैंने देखी आपकी कई सारी रील, अच्छा कंटेंट डाल रहे हो आप लोग, मतलब ऑफ रोडिंग का कई सारा, तो आप लोग भी फॉलो कर सकते हो इंस्टा पे, मैं नीचे आईडी मेंशन कर दूंगा भैया की। मेरे को लगता है कि इसमें गाड़ी में स्पीकर के अलावा और ये एक लोहे का ये जो गार्ड लगा रखा है, इसके अलावा कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मॉडिफिकेशंस की, कोई नहीं है, बिल्कुल पावरफुल गाड़ी है सबसे। और अभी जो एग्जॉस्ट लगाया, एक बार सुनाओगे आप इसे? थोड़ा सा सुनाते हैं ना। अभी भैया ने एग्जॉस्ट लगाए थे, आवाज़ सुनाओ। रूबीकॉन का ना ये बोनेट खोलना बहुत आसान है मेरे हिसाब से, मतलब बाहर से खुल जाता है, अंदर से कोई वो नहीं है, तो इसमें कुछ अब तक किसी ने खराब बात तो नहीं की, क्योंकि आधे से ज्यादा को तो पता ही नहीं होगी वैसे। मुझे भी पता क्या नहीं, पता देखो जैसे ये है क्लिप लगाई, यहाँ से क्लिप लगाई, और ये बोनेट इसका खुल गया, यहाँ से एक लॉक है वो खुल गया, अंदर से ऐसे क्लिप खींच के नहीं है, तो एक सेकेंड बहुत इजी है मतलब इसका ना,
और अभी तक कितनी कितनी गाड़ी रेस्क्यू कर दी अब तक इससे? मैंने 4-5 करी है अभी। 4-5 गाड़ी रेस्क्यू कर दी? थार करी है एक, हाँ, एक फोर्च्यूनर करी है, हाँ, एक हाँ, और करी है स्कॉर्पियो करी है, हाँ, थार करी है। बहुत गाड़ी मतलब रेस्क्यू कर दी आप। मेरे हिसाब से आई थिंक मैं जितना जानता हूँ आप डेली हर तीसरे दिन सैटरडे संडे को तो है ही है फिक्स कि जाना ही जाना है। संडे को होता है हमारा, हाँ, मेनली संडे है ही है। पीछे अरावली में है, हाँ, वहाँ पे जाना पक्का है। चलो और बाकी अभी इसकी मतलब रेस वगैरह में कैसी है, मतलब स्पीड वगैरह कैसी? ठीक है, 200 तक मैंने भगाई है। 200 तक भगा रखी है? खोल के, छत खोल के भगाई 200 तक। इसकी ये जो रूफ है ये खुल जाती है पूरी? चलो तो बहुत बढ़िया। भगाने की तो है नहीं ना? हाँ, भगाने की नहीं है, क्यों भगाना है? पावरफुल। कई सारे लोग बोलते हैं कि थार की कॉपी, थार की कॉपी। भाई एक्चुअल में थार ने इसकी कॉपी की थी। ये जो इसका सीन है ना, ये महिंद्रा ने चुराया इसका कॉन्सेप्ट, ये वाला कि बूट ऐसे खुले, ठीक है। और ये रहा वो जो सिस्टम JBL का 500 वाट, काफ़ी कुछ है। और ये देख रहे हो ऑफ रोडिंग के लिए ही है बेसिकली। ये जो पिलर्स हैं ये सपोर्ट के लिए हैं, भगवान ना करे कल को गाड़ी पलटती है कुछ होती है तो यहाँ गाड़ी के अंदर कुछ डैमेज ना आए, ना पैसेंजर्स को आए ना किसी को आए। तो ये वो पिलर्स हैं जो दिए हुए हैं, जो एक्स्ट्रा स्पेस हमारा घेर रहे हैं। जीप रैंगलर में आते हैं, अभी दो मॉडल आते हैं, एक अनलिमिटेड आता है, एक ये रूबीकॉन। दो मॉडल हैं, रूबीकॉन और अनलिमिटेड, ठीक है। उसमें क्या होता है, अगर अनलिमिटेड है आपके पास तो आपको 80 टायर्स जो है ना, ये ऑल टेरेन टायर्स हैं, ये मिलेंगे ही नहीं उसमें। और लोग तेज़ी करते हैं यहाँ पे, ये रूबीकॉन अनलिमिटेड जो लिखा रहता है या होता ही नहीं आई थिंक, तो उसे हटवा के यहाँ पे रूबीकॉन के स्टिकर लगा लेते हैं और 80 टायर बाहर आफ्टर मार्केट लगा लेते हैं। ये है इसकी की और अब गाड़ी करते हैं ड्राइव। को यहाँ पे प्लेस करने के लिए दे रखा है अलग से, ये मोबाइल के लिए है। और तेरा फोर व्हील ड्राइव, हाई लो, ये स्टार्ट, ये अभी स्टार्ट हो गई हमारी गाड़ी। और इंटीरियर थोड़ा इसका ऐसा है, ये लिखी है रैंगलर की बैजिंग वो रखी है, एयर बैग। पास से दिखा देते थोड़ा, लौंडा अभिषेक, यस दिख रहा हूँ मैं इसमें। और क्या आ रहा है, कैमरा ब्लर हो रखा है आपका, कीचड़ वीचड़ लगी है लग रहा है। नहीं ये टूट गया, कैसे? थार फंस गई थी तो थार को निकालने के लिए हमने उसके टायर पे अपना टायर लगा के पुश किया था। अच्छा, जब टूटा था ये वाली रील पे, जो वीडियो बन रही थी, रील भी डाली है। तो यार अभी ना हम एक छोटा सा चेक करते हैं कि एग्जॉस्ट में कैसी आवाज आ रही है, ठीक है। तेज भागती है, 3-2-1 गो। भाई जो सर में वो गुदगुदी सी हुई ना, भाई आवाज तो खतरनाक ही आ रही है भगते वक्त, बहुत तगड़ी आवाज भाई, बहुत तगड़ी आवाज, पूरा जोर मारती है कि भागूंगी मैं। अब ऐसे कुछ टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भाई कुछ हटके हुआ हो इसके साथ, गाड़ी के साथ, या लोगों ने, यार हटके तो क्या ही है, एक बताता हूँ इंसिडेंट, हाँ, कल का ही। हाँ, कल मेरे आगे से फॉर्च्यूनर निकल रही थी, हाँ, तो उसने आगे से कट, हाँ, ले लिया तो, हाँ, उसका पीछे वाला बम्पर जो है, हाँ, वो इसमें आगे इसमें फंस गया। अच्छा इसमें, इसकी कह रहे हो आप, लोहे वाले में, ये मेटल का जो है इसमें फंस गया और फट गया, गया। अरे तेरी। फिर तो भाई उतरता है आके बोलता है कि यार ये क्या कर दिया, फिर मैंने कहा गलती तुम्हारी है, नहीं आप, मैं क्या गलत कर रहा था, हाँ, तुमने एकदम से राइट लिया है, मैं तुम्हें आगे पास आगे पीछे मेरे खिलौने लेके घूमोगे। देख तो लो जहाज घूम रहे हैं आसपास कौन है। खैर गाड़ी में दम तो बहुत है इसमें, मैंने, हाँ, गाड़ी में सही में दम है। और ऑफ रोडिंग में क्या समझ आ रहा है अभी? ऑफ रोडिंग में तो अलग ही यूनिक है, अलग ही लेवल है, ऐसा लगता है कि कहीं भी ले जाओ फंसेगी नहीं, कुछ भी कर लो। और अभी मतलब भगा ली आपने, अच्छी चला ली, काफ़ी टाइम हो गया इस गाड़ी को, और मेरे हिसाब से क्या मतलब आपका क्या फीडबैक है इस गाड़ी के लिए, कि अगर मान लो आज कोई बंदा लेने जा रहा है, अभी 2024 मॉडल की एक न्यू रूबीकॉन लॉन्च हुई, आई थिंक ये 2023 है अपनी, और आपका क्या कहना है कि अगर कोई लेने की सोच रहा है, प्लान कर रहा है, इफ़ यू आर प्लानिंग कि रूबीकॉन में जाओ, तो क्या बोलोगे, जो आपके पॉइंट्स पॉजिटिव रहेंगे और जो नेगेटिव रहेंगे? यार अगर पैसा है तो ले लो, हाँ लाइफ एक बार मिलती है, लाइफ ओनली वंस, तो सही बात, डोंट कॉम्प्रोमाइज। अगर पैसा है तो ये गाड़ी लेके आपको रिग्रेट कभी नहीं होगा, हाँ ये बात है, शौक पूरे कर रहे हो मतलब, हाँ,
और शौक ही बड़ी चीज़ है मेन, तो आपने भी शौक की वजह से ली है, नहीं तो ऑडी से कौन स्विच होना चाह रहा है कि ऐसी रफ एंड टफ गाड़ी में रिजिड थोड़ी मतलब होती है कि हाँ कोई दमदार बंदा ही चला रहा है इसे, मजा आता है। मंथ में एक या दो बार तो एक बार मेरा चक्कर लगता है। हाँ। और अभी डिसएडवांटेज कि इस गाड़ी के क्या लगे आपको, जो मतलब आपको ऐसा लगता है कि ये नहीं वो होना चाहिए? यार इंडियन मार्केट के हिसाब से ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव टू रन है, वो तो कही है। अगर आप रनिंग कॉस्ट बढ़ेगी आपकी बहुत दे रही थी, डीजल थी ना वो तो, डीजल इंजन। रनिंग कॉस्ट तो इसकी ज्यादा ही है। सही है। अभी कुछ दिन पहले हमारे साथ भी हुआ था, आई थिंक मेरे को इसमें एक छोटा सा वो डाउट लगा कि कुछ दिन पहले हम मिलने आए थे, मतलब मैं मिलने गया हुआ था, तो मैंने देखा गाड़ी बाहर खड़ी है और गाड़ी भाई स्टार्ट थी, मैं आसपास देख रहा हूँ कि आप हो ही नहीं। फिर मैंने आपको फ़ोन किया, मैं कैसे से भैया गाड़ी स्टार्ट है आप कहाँ हो? तो आपने बोला अरे मैं तो यहाँ पे बैठा हुआ हूँ आधा घंटा हो गया, एक घंटा, कितने घंटे हो गए थे गाड़ी स्टार्ट थी? 3 घंटे तक गाड़ी स्टार्ट थी। तो ये मतलब इसमें ऐसा है ना कि आपको आई थिंक उस टाइम आपने जस्ट शिफ्ट किया था गाड़ी? नहीं नहीं, प्रॉब्लम क्या थी, मैं मीटिंग में था तो मेरे कान में एयरपॉड्स थे। हाँ। तो मैंने चाबी उठाई और मैं चल पड़ा, मैंने ये ध्यान नहीं दिया कि इतनी ज़्यादा आवाज़ तो है नहीं। हाँ। पेट्रोल की गाड़ी कार है। हाँ। तो मेरे को पता नहीं लगा कि ये स्टार्ट है। हाँ। ये रीज़न समझ लो कि निकल गया, निकल गया। और उस दिन कितने हज़ार का तेल लगा? स्टार्ट खड़ी में इतना नहीं खाती है, खड़ी में नहीं खाती, चलती है तभी करती है एक्शन। तो अभी आवाज़ सुनाया था भाई बहुत दूर हूँ भाई मैं, आवाज देखो, और अभी बहुत कम आवाज है। भाई बहुत ज्यादा आवाज है, बहुत ज्यादा तगड़ा साउंड है, बहुत ज्यादा तगड़ा, खतरनाक। चलो चल रहे हैं अब, मीटिंग्स है।